वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। और आज करेंगे हम शोल्डर के सुपर सेट, मतलब वर्कआउट है जो आज सुपर सेट होने वाला है शोल्डर का, और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, मज़ा आ जाएगा। सुपर सेट का अलग ही बेनिफिट है, मैं पिछली वीडियोज में बता चुका हूँ। और चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वर्कआउट। सबसे पहले हमें करना है वार्म अप, वाना वार्म अप करे कोई भी वर्कआउट नहीं करना है, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। आज कर रहे हैं हम शोल्डर के सुपर सेट, और जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। सुपर सेट कब करने होते हैं ये सब मैं बता चुका हूँ अपनी पिछली वीडियोस में, और इनके बेनिफिट्स भी। तो सीमित मशीन में हमने करे हैं 15 रेपिटेशन और फ्रंट रेज करेंगे प्लेट के साथ। वेट ऐसा लें कि आगे चल के हम उसको ओवरलोड कर सकें, प्रोग्रेसिव ओवरलोड, ओके? तो ये मेरा दूसरा सेट है और 15-15 रेपिटेशन मारने हैं हमें, 15 इसके और 15 उसके। दोनों सेटों के बीच में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, बिगनर्स के लिए नहीं है, बिगनर्स अभी नहीं करेंगे ये। अगर बिगनर्स करेंगे तो इससे रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन अगर आप फिर दोबारा वापस बेसिक एक्सरसाइज पर गए तो उससे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो उसको हमारी बॉडी अडेप्ट नहीं करेगी। इसलिए अगर आपको पहले से ही करते आ रहे हो तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है ये सच्चाई है, साइंस है भाई, मैं क्या बताऊँ। क्योंकि अगर आप पहले ही एडवांस एक्सरसाइज चालू कर दोगे तो बेसिक एक्सरसाइज है जो आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। सारी एक्सरसाइज करने से पहले हमें कर लेंगे वार्म अप, बढ़िया वाला वार्म अप कर लेना है, क्योंकि शोल्डर बहुत ही ज़्यादा फ्रिजाइल जॉइंट होता है, इसलिए हमें बहुत अच्छे से वार्म अप कर लेना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंजरी शोल्डर्स में ही होती है सबके। तो ये मैंने थोड़ी बड़ी प्लेट ली है और इसको एडजस्ट, देखो मैंने किस तरह कर रखा है, थोड़ा सा मैं इसको जैसे गोलाई में चला रहा हूँ, सीधा सीधा नहीं चला रहा हूँ, और शोल्डर में मेरे बढ़िया अच्छा फील हो रहा है। और भाई मैं कर रहा था ना जब ये वर्कआउट, मज़ा ही आ गया ना करके, मतलब जो बर्नआउट हुआ ना शोल्डर्स में, जो पंप आया था, स्वाद आ गया था करके। तो अभी जो ये लास्ट सेट है मेरा, इसमें करूँगा मैं ड्रॉप सेट, ठीक है? तो इसमें करेंगे हम 15-15-15, 3 बार ड्रॉप करेंगे, 12 से 15 का रैप मारेंगे, और जितने 12 तो कम से कम लगने चाहिए, और उसके बाद हम करते रहेंगे ड्रॉप। ड्रॉप सेट का एक अलग ही महत्व है, हो जितनी भी आपकी एनर्जी बचती है ना सब खत्म, सबको चूस लेता है जो होता है ना ड्रॉप सेट, हो तो ड्रॉप सेट मारना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। मैं ऐसा मानता हूँ ड्रॉप सेट लास्ट वाला जो होता है वो ड्रॉप सेट होना चाहिए। तो ये मैंने किया ड्रॉप सेट और फिर से आके बैठ गया बिजली की फुर्ती से, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए हमें बिल्कुल भी। और ये मैं मारे जा रहा हूँ, और फिर से मैंने मारे हैं लगभग 12 रैप मारे हैं, आई थिंक 10 से 12 रैप मारे थे। और इस टाइम जो मैं फील हो रहा था ना करते टाइम, ये मुझे ही पता है। या फिर अगर आप ये वीडियो देखने के बाद अगर आप करोगे ना ये वर्कआउट, तो आपको ना अल्टीमेट मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा। वेट ड्रॉप करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, इस बात का खास ध्यान रखना, कहीं इधर उधर या फ़ोन चला रहे हो, दोस्तों से बात कर रहे हो, पानी पी रहे हो, ड्रॉप सेट चल रहा है मेरा भाई और सोना कैसा है, ये सारी चीज़ें नहीं छोड़ के अपना फोकस करना है सेट पे, तुरंत ड्रॉप करके और वापस, ठीक है? तो किसी दिन वीडियो बनाऊंगा मैं कि ड्रॉप सेट के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्यों करना चाहिए ड्रॉप सेट और कब करना चाहिए ड्रॉप सेट। सबको पता है भाई, तुम सारे कोच हो, अपने अपने मन में सब कोच बनते हैं, कोच को कोच नहीं समझते हैं लेकिन खुद को कोच समझते हैं। वाह, ये तो राइम कर गया, फोन आ गया था। खुद को कोच समझते हैं लेकिन कोच को कोच नहीं समझते हैं। ये है मेरा लास्ट सेट ड्रॉप का, और इसके बाद देखना हो, इसके बाद है प्लेट से ड्रॉप। तो उसको करने में, मतलब इसके बाद जब वो करते हैं ना, मतलब बस पूछो मत यार, पंद्रह की प्लेट मैंने, मतलब मेरी रेंज है ये भाई, तुम्हारी ज्यादा हो सकती है क्योंकि तुम तो बहुत ज्यादा हैवी भी मारते हो। तो ये मेरी रेंज है भाई, इससे मैं मार रहा हूँ 15 रेपिटेशन मारूंगा, 15 की प्लेट है, और इसके बाद मैंने उठाई है दूसरी, ये है 10 की प्लेट। वाओ, शोल्डर फटने को आ गए थे जब मैं कर रहा था। ओहो, मेरा मुंह देखो कैसा हो रहा है, मतलब स्वाद ही आ रहे थे करने में, बस ये लग रहा था कि बस अगर वीडियो नहीं बन रही होती तो अभी छोड़ देता। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, डिसिप्लिन आदमी हूँ मैं, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्कआउट के टाइम पे बहुत सारी बातें चलती हैं, जब फटीग हो जाती है ना मसल बिल्कुल टूट जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, चलो छोड़ देते हैं।
ब्रेकमन होता है ना यार, कर लेते हैं, तो जो जिसने उस बात को सुन लिया वो कर गया। तो ये मेरा पहली एक्सरसाइज हो गई कॉम्बिनेशन की, सेट की, फिनिश। अब जो दूसरी एक्सरसाइज है वो है, ये देखो तो मैं थोड़ी अलग लगेगी लेकिन है एक नंबर की। इस एक्सरसाइज को करके भी मेरे जो साइड डेल्स थे ना बिल्कुल पंप हो गए थे, और इसलिए मैंने उतार दी शर्ट, सॉरी टी शर्ट, यस, क्योंकि इससे पहले मैंने एक सेट मार लिया था और वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था। तो ये मैंने दोबारा किया है, ये मेरा दूसरा सेट है। इसके साथ करेंगे ये है साइड रेज। साइड रेज का मैं बहुत ध्यान रखना कैसे करना है। फिर जो इसके साथ कॉम्बिनेशन में एक्सरसाइज होगी वो है ये, पीछे की तरफ थोड़ा सा टिल्ट होके और साइड रेज करेंगे पीछे की तरफ से। एक बात का ध्यान रखना है, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा साइड में देख रहा हूँ, गलती से भी साइड में मत देखना क्योंकि खिंच जाएगी मसल। तो जो फीलिंग जो इस एक्सरसाइज को करके आएगी ना भाई, वो फीलिंग नहीं आ सकती आपको तो नॉर्मल साइड रेज करके। इस कॉम्बिनेशन को मैंने इसलिए बनाया था कि जब हम साइड रेज करते हैं ना तो हमारे जो ये फोरआर्म और जो हमारे ये जो साइड डेल्ट होते हैं बहुत ज़्यादा भर जाते हैं, और फिर एक दो रैप की ओर कसर रह जाती है, वो हम कर नहीं पाते। तो अगर आप पीछे की तरफ टिल्ट होकर जब हाथ पीछे की तरफ चलाओगे ना तो एक नया ही फील, फ्रेशनेस फील होती है और आप ज़्यादा रैप मार पाते हो। तो इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया, इसमें साइड डेल्ट हो जाएंगे, बढ़िया एक नंबर। उसके बाद मैंने करी है इंक्लाइन पे रिवर्स फ्लाई, और इसके साथ जो कॉम्बिनेशन में सेट लिया है वो फोरहेड रखना है इंक्लाइन पे ही, और 90 डिग्री बना के पीछे की तरफ फ्लाई करना है रिवर्स फ्लाई। आधी बॉडी तो यहीं ख़त्म हो जाती है जब ये करते हैं रिवर्स फ्लाई, पूरा पंप फील होता है पीछे जो रियर डेल्ट पे, और लेकिन जो थोड़ी बहुत कसर रह जाती है ना वो हम यहाँ कंप्लीट कर देते हैं। और जैसे ही सेट ख़त्म होता है ना ये फील होता है कि पीछे वाले जो रियर डेल्ट है ऐसा लगता है कि सूज गए हों, लटक गए हों, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल। करके देखना बस, बहुत स्वाद आ जाएगा। अरे यार पता है जो मज़ा सुपर सेट में है ना वो नहीं है कहीं भी। हैवी मारो, हैवी का अलग मज़ा है लेकिन सुपर सेट का तो और ही ज़्यादा अलग ही अल्टीमेट मज़ा आता है करने में। तो ये करो, और इसके ये रैप हैं जो वही रहेंगे, 15-15 के चार सेट मारने, 15 उसके और 15 इसके। ओवरवेट नहीं मारना है, रेंज ऑफ मोशन ख़राब होएगी, फॉर्म ख़राब होएगी, इसलिए ओवरवेट की तरफ नहीं जाएंगे हम, ठीक है। तो अपना बढ़िया डाइट खाओ और दबा के मारो शोल्डर। No mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors. तो जो last exercise है मेरी ये है, shrugs के साथ मैं कर रहा हूँ uprights, और shrugs करेंगे हम बढ़िया बैठ के, छाती ऊपर की तरफ, chest ऊपर निकाल के, और बढ़िया shrugs मारने हैं। इसमें कोई काउंटिंग नहीं करनी है, फेलियर मारने इस रक्स के हमें, इस बात का हमें खास ध्यान रखना है। और ये है मेरी अपराइट्स। अपराइट्स के भी आप जितने हो सके उतने मारो, मीडियम साइज का वेट लगाना है और एक ही वेट लगा के रखना, हो सके तो फेलियर मार लो सबसे अच्छा है। बस हाँ काउंटिंग मत करना, आपको लगे कि हाँ अब नहीं हो पा रहा है, अभी देखो मेरी फोरआर्म गिव अप कर गई थी, तो इस जगह पे हमें ग्रिप्स काम आती है, ग्रिप यूज़ करनी चाहिए। तो ये मेरा दूसरा सेट है, और ऐसे ही तीसरा और चौथा और सारे सेट मैंने ऐसे कर दिए थे। बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज थी आज की, ये वाला वर्कआउट करो मज़ा आ जाएगा, और अल्टीमेट लेवल मतलब एक प्रो लेवल फील होएगा करने के बाद, आपको सच बता रहा हूँ। जस्ट एक बार ट्राई करना, चार सेट हैं ये और 8 एक्सरसाइज हो गई, और सारे सेट मैंने बहुत ही है ना सोच समझ के सेट करें। इसके साथ जब अपराइट्स करेंगे ना तो फील ही अलग करोगे आप, ठीक है। तो फटाफट हाँ एक बात दोबारा मैं बोल देता हूँ कि सेट टू सेट इन दोनों के बीच में सुपर सेट में हमें गैप नहीं आने देना ज़्यादा, बिल्कुल भी, इस बात का खास ध्यान रखना बस। Everybody in the world die. Please, Lord, give me a sign. A sign. I wanna be the greatest. Everybody on the face, shit, I look. तो ये था मेरा आज का शोल्डर का वर्कआउट, सुपर सेट थे।
मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत पसंद आया होगा और आप इसको करोगे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मजेदार वर्कआउट था। मेरा मतलब मेरे से जितना हो सका ना, मैंने उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग इसको बनाया है और उतना ज्यादा इंटेंस बनाया और इफेक्टिव भी बनाया है। तो आप करो, इसको ट्राई करो और मुझे बताओ कमेंट करके कि भाई आपको कैसा लगा है वर्कआउट। तो आपकी कमेंट्स, आपके लाइक्स, आपके सब कुछ, ये सब मुझे मोटिवेट करती है वर्कआउट बनाने के लिए, और मैं आगे भी ऐसा वर्कआउट आपके लिए लाता रहूँगा, सिखाता रहूँगा, और मैं खुद तो सीख ही रहा हूँ। आप लोगों को पसंद आ रहा है तो समझो अच्छा है, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, अगर आप पहले से ही मेरे चैनल पर हो तो थैंक यू सो मच, आपके सपोर्ट्स की वजह से मैं ये वीडियोज़ बना पा रहा हूँ, आप मेरी मोटिवेशन हो। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय।